की अगहाई के समय में जहां एक तरफ किसान अपनी खून पसीने से तैयार की गई फसल को इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं, वहीं गेहूं की थ्रेसिंग से निकलने वाले धूल के कण लोगों की सेहत के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त गेहूं की फसल की थ्रेसिंग के जरिए गहाई का कार्य चल रहा है। गहाई से निकलने वाली धूल की चपेट में आकर लोगों को गले में खराश, खांसी और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं का शिकार होना पड़ रहा है। धूल भरे मौसम में अस्पतालों में भी ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। थ्रेसिंग के वक्त धूल के गुबार से राहगीरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम मोहित कुमार है। ये रुमाल क्यों बांध रखा है क्या? ये धूल काफी उड़ रही है जिससे हम बीमार हो रहे हैं और दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, ये रुमाल बांध रखा है। ये गेहूँ की दवाई जो चल रही है जिससे धूल उड़ रही है, जिससे नजला खांसी जैसी बीमारी हो रही है। अच्छा, वहीं डॉक्टरों की माने तो थ्रेसिंग से निकलने वाले धूल के कणों से खराश और खांसी जैसी समस्याओं में इजाफा हुआ है, जिसकी रोकथाम के लिए मुंह पर नकाब लगाकर चलना बेहद जरूरी है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, इस जो गेहूं की हमारी जो थ्रेसिंग हो रही है फील्ड में, इससे जो धूल या इनका जो डस्ट उड़ती है, इससे सांस की नली में सूजन भी हो सकती है या सांस की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है इससे। और स्पेशली ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, सूखी खांसी का होना इसका सबसे प्रमुख लक्षण हो सकता है, मेन जो इसका सिम्टम हो सकता है कि हमें पेशेंट को शिकायत करेगा सूखी खांसी की। सूखी खांसी में उसको झसके टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। सुबह शाम तक अगर वो लगातार संपर्क में है इस धूल के, इस डस्ट के, तो उसको सुबह शाम तक भी खांसी का समस्या पैदा हो सकती है। बचाव के लिए मुख्य रूप से यदि कोई व्यक्ति उस डस्ट के संपर्क में है, यदि वो किसी वजह से, किसी मजबूरी से वो काम कर रहा है या आसपास के लोग हैं, तो वो अपने चेहरे पर मास्क रख के या कोई कपड़ा रख के वो काम करें, जिससे कि वो सांस लेने में वो डस्ट शामिल ना हो, वो ना जाए। और इसके बावजूद यदि वो उससे पीड़ित है, वो ग्रसित है, तो सरकारी अस्पताल में डेरीफाइलिन या इथियोफाइलिन के नाम से मेडिसिन होती है, मार्केट से भी डेरीफाइलिन के नाम से ड्रग होती है, मोंटी ल्यूकास्टिक साल्ट होता है, वो टैबलेट लेके हम उसको बचाव कर सकते हैं।